जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एसएससीडी कांस्टेबल में 23 सितंबर से जैसे आपको फिजिकल शुरू होने वाला है, साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल रीमेडिकल भी होने वाला है। तो जैसे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया सुबह पाँच बजे, ठीक है। तो 5 बजे से आपको क्या क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, और आपको कितनी ग्रुप में आपको रनिंग कराया जाएगा, एक साथ कितना कैंडिडेट को आपको छोड़ा जाएगा ग्राउंड में या रोड पर, ठीक है। तो पूरा दोस्तों डिटेल्स इसी वीडियो में जानेंगे और जो शुरुआत दिन आपको क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह से इन्फॉर्मेशन वीडियो इसी यूट्यूब चैनल में सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों आपको टाइमिंग दिया गया है, रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 5 बजे, ठीक है। तो इससे आप कोशिश करना आधा घंटा पहले से आपको जाके वहाँ पर जो गेट एंट्री दिया गया है, ठीक है, जो गेट नंबर दिया गया या आपको जो एड्रेस दिया गया उसी कैंपस के गेट पर आपको लाइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको जो अगर सुबह 5 बजे टाइमिंग दिया गया तो उससे पहले आपने जाना, क्योंकि 5 बजे से आपको रिपोर्टिंग जो अंदर आने आपको शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत में आपको क्या होगा, आपको जो एडमिट कार्ड, ठीक है, आपको जैसे आपको एडमिट कार्ड में लिखा है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको फिजिकल, आपको रिमेडिकल मेडिकल जो लिखा है आपको, वो एडमिट कार्ड अपना कलर प्रिंट आउट करके निकाल के ले जाना, क्योंकि इसमें जो आपको फोटो रहेगा, ठीक है, उसमें आपको क्लियर साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद आपको अंदर जाना दिया जाएगा कैंपस के अंदर, ठीक है। तो शुरुआत में आपको 2 डॉक्यूमेंट आपको चेक होगा, एक हो गया आपका फिजिकल का जो एडमिट कार्ड, ठीक है, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिमेडिकल मेडिकल का जो एक ही साथ जो एडमिट कार्ड निकल रहा है उसका कलर प्रिंट आउट करके ले आना, वो आपको शुरुआत में आपको एंट्री के टाइम जैसे सुबह 5 बजे आपको जरूरत पड़ेगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक ID प्रूफ जिसमें आपको फोटो रहेगा, चाहे आपको आधार कार्ड भी हो सकता है, चाहे आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, नहीं तो आपको वोटर कार्ड भी हो सकता है, ये जो जहाँ पे आपको जो भी आइडेंटिटी प्रूफ में आपको फोटो रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये फोटो आपका जो एडमिट कार्ड का फोटो पूरा दोनों मैच करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको आप सही है जो आप जो नाम जो एडमिट कार्ड का कैंडिडेट आप ही है क्या कोई दूसरा का आप देने के लिए आ गया, पूरा आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा, ठीक है, मतलब कैंपस के अंदर आपको जाने दिया जाएगा। वही जो प्रोसेस होगा आपके सुबह 5 बजे, अंदर जाने के बाद आपको दोस्तों क्या करेगा, आपको एक जगह बैठा के रखेगा, फिर आपको फॉर्म फिलअप करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है जो भी कैंडिडेट अंदर गया फिर रनिंग करके बाहर निकल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको शुरुआत में जितनी कैंडिडेट एक दिन में बुलाया, अगर 100 कैंडिडेट बुलाए तो 100 कैंडिडेट को पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मतलब आइडेंटिटी कार्ड से चेक करके एडमिट कार्ड के चेक करके कैंपस के अंदर जाने दिया जाएगा, उसके बाद ही जो अगले की प्रोसेस शुरुआत होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है एक गया रनिंग करके वापस फिर दोबारा आ गया, ऐसे फिर कुछ नहीं होता। जो भी होगा इकट्ठा होगा, जो भी अगर अंदर एक के साथ जाने दिया जा रहा है, जब वापस छोड़ेगा कैंपस के अंदर, कैंप से बाहर जब बाहर निकलेगा तब भी देखना जितनी अंदर आदमी कैंडिडेट जितनी कैंडिडेट अंदर गया सब इकट्ठा करके फिर बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं एक दो करके गया आया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अपना मन मर्जी से कुछ नहीं होगा, एक साथ जाएगा फिर एक साथ वापस भी लौट के आएगा। तो जो भी कैंडिडेट अंदर चला गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, कोई किसी का रुकावट अगर नहीं आएगा तो आप अंदर जाकर आपको फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, ठीक है। साथ में अपना क्या ले आना, अपना पेन ले आना और साथ में पेन मास्ट ले आना, क्योंकि इसमें आप फोटो चिपकाने के लिए गम भी ले आना, ठीक है, ये जरूरत पड़ेगा, हमेशा बैग में दोनों चीज़ रखना ही रखना, जब भी रैली में जाएगा चाहे कोई फॉर्म फिलअप करने के लिए जाएगा, ठीक है। या आपको एक पेन रखना ब्लू कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर की पेन नहीं चलता है, ब्लू पेन आपको उसमें अप्रूव होगा ब्लू पेन, ठीक है। तो ब्लू पेन ले आना, उसमें आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलेगा, अपना नाम लिखेगा, अपना पिताजी का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना गाँव का एड्रेस, ठीक है। तो पूरा डिटेल एक फॉर्म फिलअप कराया जाएगा आपसे। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको क्या होगा, पहली जो प्रोसेस है आपको हाइट, ठीक है, पहली जो प्रोसेस है दोस्तों आपको हाइट मापा जाएगा। और हाइट बहुत सारे कैंडिडेट का मन में ये डाउट रहे से हाइट कौन कैसे मापेगा, जैसे आर्मी की तरह एक दरवाजे जैसा रहेगा उसमें आपको अंदर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधा सिंपल खड़ा रहेगा, उसके बाद जैसे एक जैसे हाइट वाला रहेगा, ठीक है, तो ऐसे करके आपको सिर पे यहाँ पे रखा जाएगा, जितनी हाइट होगा उतनी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं आपको 170 बोला तो 75 ले रहा 73 ले रहा, ऐसा कुछ नहीं है, जितनी हाइट आपको बोला गया 170 सेंटीमीटर तो आपके 170 सेंटीमीटर अगर आप हाइट है तो आप बिल्कुल फिट मान के चलिए, अपना आपको कोई अनफिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। आर्मी में जैसा नहीं है, आप दियाल जैसे रख दिया दरवाजे जैसा आपने गया वो अलग, ऐसा सिस्टम नहीं है SSCED में, ठीक है। तो हाइट मापा हो जाएगा, पहली जो प्रोसेस है अपना हाइट मापेगा, ठीक है। हाइट में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होगा उनको क्या करेगा, चेस्ट मेजरमेंट 80 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, और चेस्ट फुला के 85 सेंटीमीटर। कोई कैंडिडेट का अगर चेस्ट 1 सेंटीमीटर कम भी है तो उसको दोस्तों डायरेक्ट उसमें थोड़ा सा भी और चांस देता है, बोलता है डिस्क मारने के लिए, ठीक है, ताकि 1 सेंटीमीटर आपको जो कमी है वो पूरा हो जाएगा।
तो बहुत सारे कैंडिडेट मैं देखा था, बहुत बार पिछली बार क्या हुआ, एक कैंडिडेट का काम था 2 से 1-2 सेंटीमीटर, उनको बहुत बार बोला डिस मारने के लिए, ठीक है, फिर बोला फिर 5 मिनट बाद फिर आपको चेस्ट मेजरमेंट होगा, तो आपको डायरेक्ट बहुत कोशिश करता है, ठीक है, आपको चाहे आप फिट हो जाए, अगर आप जो भी कैंडिडेट का चाहे 4-5 सेंटीमीटर काम है तो उसका तो कोई दोस्तों नहीं फिट कर पाएगा, अगर किसी का 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर काम है तो उसको वहाँ पर उसी टाइम डिस मारने के लिए बोलता है और वहाँ पर फिट करा दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यही है जो चेस्ट है, थोड़ा सा 80 सेंटीमीटर चाहिए आपको मिनिमम चेस्ट होना चाहिए, और चेस्ट फुला के 85 सेंटीमीटर, तो पहले हाइट हो गया फिर चेस्ट हो गया, चेस्ट के बाद आपको वेट मापा जाएगा, ठीक है। हाइट के हिसाब से वेट का मैं एक पहले वीडियो बना के रखा, लेकिन दोस्तों वेट में कोई कैंडिडेट को अनफिट नहीं करता है, उसमें जरूर मेंशन करता है जिसका ओवर वेट ज़्यादा है, ठीक है, जिसका 4-5 किलो ओवर वेट ज़्यादा है तो उसको जरूर दोस्तों मेंशन कर देता है कि आपका ओवर वेट ज़्यादा है, अपना थोड़ा ओवर वेट कम कराना है, ठीक है। लेकिन वेट में किसी को डायरेक्ट अनफिट नहीं करता है ना, कुछ कुछ बोलता है, ठीक है, सिर्फ मेंशन कर देता है आपका इतना किलो वेट ज़्यादा है, और जिसका अंडर वेट है, मतलब अगर मिनिमम आपका 50 किलो होना चाहिए, अगर आप 45 किलो आपका 48 किलो है, ठीक है, तो अंडर वेट में दोस्तों कुछ नहीं करता है, आपको बोलता है और खाओ पियो करो, ठीक है, क्योंकि आपको वेट होना चाहिए, इतना वेट आपका कम है, वेट में किसी को अनफिट नहीं करता है, बिल्कुल सुन लीजिए दोस्तों, आपको हाइट में अनफिट करेगा, आपको चेस्ट में अनफिट करेगा, लेकिन वेट में नहीं करता है, आपको जरूर बोलेगा आपको वेट इतना घटा के आना, क्योंकि वेट में पता है वेट कम बेसी हो जाता है, बाकी जो चेस्ट में आपका हाइट में इसमें कम बेसी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, वेट आपको मापा जाएगा, तो उसके बाद आपको क्या करेगा, अगर 100 कैंडिडेट एक साथ बोला रहा है एक दिन में, तो एक के साथ आपको नहीं छोड़ेगा, अगर रोड पर होगा तो हो सके आपको 2 ग्रुप में आपको डिवाइडेड कर देगा, ठीक है, अगर 100 कैंडिडेट को पार्ट डेली बुला रहा है तो आपको 2 ग्रुप में डिवाइडेड कर देगा, हो सके पहला ग्रुप में जो भी कैंडिडेट का हो जा रहा है उनको एक साथ छोड़ा जाएगा, ठीक है। अब उसमें किसी का हाथ में कोई मोबाइल या घड़ी, आपको स्टॉप वॉच का कोई आपको रंगने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। साथ में पहले आपको एक झंडा लेके जाएगा रेड कलर की, वो आपको निशानी मार्क बनाते हुए जाएगा जी, इधर से आना, ठीक है। पीछे एक एम्बुलेंस की गाड़ी भी जाएगा, किसी का अगर कोई चक्कर भी आ जाए, कोई गिर भी जाए तो उसके लिए एम्बुलेंस पीछे आएगा, ठीक है। बाकी आपको 5 किलोमीटर रनिंग होगा, 5 किलोमीटर रनिंग के बाद दोस्तों पहला ग्रुप अगर हो सके एक साथ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन चांस कम है क्योंकि 2 ग्रुप में डिवाइडेड कर देगा 50-50 करके, ठीक है। तो आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल होने के बाद दोस्तों आपको हो सकता है इस दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाए, आपको डॉक्यूमेंट भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि इस बार सब इकट्ठा है, टाइमिंग कम है, इसलिए हो सकता है फिजिकल के साथ आपको डॉक्यूमेंट उसी दिन आपको पूरा हो जाए। फिर मेडिकल के दोस्तों अलग अलग सेंटर भी मिल रहे हैं, कोई कोई तो फिजिकल के सेंटर में मेडिकल हो रहा है, ठीक है। तो उसकी दोस्तों नेक्स्ट दिन की नेक्स्ट अलग प्रोसेस है, पहले दिन आपको 2 ही होने वाला है, आपका फिजिकल होगा, हाइट चेस्ट वेट मेजरमेंट होगा, 5 किलोमीटर रनिंग होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। खाने के व्यवस्था दोस्तों वहाँ पे आपको मिल जाएगा, 60 रुपये आपको डाइट लेगा, ठीक है, तब आपको भरपूर आपको खाना मिल जाएगा, उसमें आपको मतलब जो भी है रोटी चावल दाल आपको पेट भर के मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं खाने का परेशानी, जब तक कैंपस के आप अंदर है आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, जैसे आप कैंपस के बाहर है तो अपना अपना जिम्मेदारी है, ठीक है। वहाँ पे खाने के लिए आपको 60 या 70 रुपये आपको डाइट लगेगा, नाश्ता भी मिल जाएगा, ठीक है, दोपहर को खाना भी आपको वही मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फिर नेक्स्ट मिलता है और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। जय हिंद।